Dear student, today we will study dipole moment in detail. Let a covalent bond is formed between two elements of different electronegativity. Atom of element B is more electronegative. More electronegative से क्या हुआ? Bonded electrons are attracted by the atom of B. तो इस पे क्या हो जाएगा? Partial negative और इस पे partial positive. तो it is a polar covalent bond. अब यहां पे दो पोल हो गए, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. इमेजिन कीजिए पॉजिटिव पोल पे प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव पोल पे माइनस क्यू चार्ज है और बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, बॉन्ड लेंथ डी है. Dipole moment is a vector. Dipole moment is a vector whose magnitude is equal to the product of charge and distance between opposite pole, that is bond length. Its direction is from positive to negative pole. Vector है तो direction होगा, तो direction कहां से कहां होगा? Positive to negative pole की तरफ direction होना है. Dipole moment is denoted by Greek letter mu. Means Q is equal to Q into D. Direction is from positive to negative pole. नोट कीजिएगा,
units of dipole moment. पहले CGS सिस्टम में देखते हैं. सपोज कीजिए प्लस वन चार्ज इज सेपरेटेड फ्रॉम माइनस वन चार्ज बाय ए डिस्टेंस ऑफ वन एंगस्ट्रॉम. वन एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10^-8 सेंटीमीटर. देखिए प्लस वन चार्ज का मतलब है प्रोटॉन का चार्ज, माइनस वन चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो कितना होगा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सीजीएस में 4.8 × 10^-8 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. और बॉन्ड लेंथ कितना हो गया डिस्टेंस 10^-8 सेंटीमीटर. मैंने बताया था डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल. तो अगर हम निकालें डाइपोल मोमेंट Q×D4.8 × 10^-18 ESU सेंटीमीटर. अब यहां पे ये देखना है आपको कि 10^-18 ESU सेंटीमीटर को साइंटिस्ट ने अपने नाम पे यूनिट बना दिया डिपाई. ध्यान रखिएगा 1 डिबाई इज इक्वल टू 10^-18 ESU सेंटीमीटर. छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो अल्टीमेटली क्या आ गया 4.8 डिबाई. डी स्टैंड्स फॉर डिबाई. नोट कीजिएगा एमकेएस में देखते हैं क्या यूनिट होगा. देखिए फिर वही प्लस वन चार्ज माइनस वन चार्ज से सेपरेटेड है बाई ए डिस्टेंस ऑफ वन एंगस्ट्रॉम. तो वन एंगस्ट्रॉम मीटर में हो जाएगा 10^-10 मीटर. और प्लस वन चार्ज मीन्स प्रोटॉन का चार्ज, माइनस वन चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज. कितना है ये एमकेएस में होता है 1.6 × 10^-19 कूलम. और बॉन्ड लेंथ है 10^-10 मीटर. तो हम निकालेंगे
कूलॉम मीटर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम मीटर। अब अगर दोनों के बीच में रिलेशन निकालें तो सीजीएस और एमकेएस में, सीजीएस में आया था 4.8 डिवाइड, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलॉम मीटर। देन 1 डिवाइड विल बी इक्वल टू 0.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलॉम मीटर। तो ये तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स हो गए, नोट कीजिएगा जल्दी से। देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इफ ए मॉलिक्यूल हैज two polar bonds, सपोज कीजिए दो पोलर बॉन्ड है, एक पोलर बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो म्यू वन है, दूसरे पोलर बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो म्यू टू है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब इन दोनों पोलर बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है वो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट निकालने के लिए हम वेक्टर मेथड का यूज करेंगे, लॉग पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं लॉग पैरेललोग्राम। वो क्या आएगा, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा।
दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, केस फर्स्ट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, इमेजिन कीजिए कि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो डायरेक्शन है सेम है तो वेक्टोरियल एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट हम लोग क्या निकालेंगे, ये तो हमें पता है कि cos 0 इक्वल टू 1, तो आ जाएगा म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2। म्यू 1 प्लस म्यू 2 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, म्यू 1 प्लस म्यू 2। तो सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट हो। नोट कीजिएगा, केस सेकंड देखेंगे, कंडीशन फॉर मिनिमम रिजल्टेंट।
अब देखिए दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो ये जो एंगल है 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है 0 और 180 में। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। अब ये 180 डिग्री है तो ये -1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, μ1 डिफरेंस μ2। मतलब अगर μ1 बिगर है तो μ1 माइनस μ2, और μ2 बिगर है तो μ2 माइनस v1, क्योंकि रिजल्टेंट निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये हमारा मिनिमम रिजल्टेंट होगा। देखिए किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जीरो रिजल्टेंट कब आता वो भी देखना जरूरी है। सपोज कीजिए CCl4 मॉलिक्यूल है, इसका ज्योमेट्री हमारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल। देखिए यहां पे 4 पोलर बॉन्ड है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पार्शियल निगेटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से इसके पास 4 पोलर बॉन्ड है। अब ध्यान देना है आपको, अब इन 2 पोलर बॉन्ड का रिजल्टेंट इधर हो गया और बाकी 2 का रिजल्टेंट इधर हो गया। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, तो इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। 2 इट हैज 4 पोलर बॉन्ड्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि बॉन्ड अगर पोलर है तो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, पोलर बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो सकता है।
तो कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट इज वेरी यूजफुल टूल टू कन्फर्म द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल. Application of dipole moment. Suppose कीजिए AB2 formula है. अब AB2 formula में देखिए दो molecules ले रहे हैं BeCl2 H2O. आपको मालूम है VACPR थ्योरी में भी हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने पढ़ा कि इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है. तो दोनों पोलर बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. ज्योमेट्री क्या है? लीनियर. लेकिन H2O कैसा मॉलिक्यूल है? इट इज ए बेंट मॉलिक्यूल. बेंट मॉलिक्यूल है तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा. इट इज नॉन पोलर एंड इट इज पोलर. एडमिन ऐड करेगा बेटा, एडमिन एक स्टूडेंट को बना रखा. अभी तक कहाँ थे? कौन से कराएंगे? तो अब हमने देख लिया कि अगर फार्मूला AB2 है और डाइपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर. और डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? बेंट. इसका एग्जाम्पल होगा H2O, OF2, H2S, लीनियर में BeCl2, CO2 इसकी कैटेगरी में आएंगे. तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम डाइपोल मोमेंट के हेल्प से कंफर्म कर सकते हैं. तो अभी इसको अभी और आगे अप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे. तो अभी तक जितना डाइपोल मोमेंट मैंने पढ़ाया, रिजल्टेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, तैयार कीजिएगा. टिल देन एंजॉय, हैव अ नाइस डे. फियरलेस.